समानता इस बात की है कि जिन लोगों ने भारत की ओर टेढ़ी आंख करके देखने का काम किया है उनको माकूल जवाब देने का काम प्रारंभ हो गया है। वैलेंटाइन डे का विरोध करता है, कितने घर उजड़ गए थे उनको, उनके लिए हमारा हर भारतीय का फर्ज बनता है कि हम उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि, कीड़ा प्रकोप 501 दीप प्रज्वलित कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री उनको मकुल जवाब देते आई है, उनको ये पता नहीं है कि अब हमारे देश के प्रधानमंत्री घर में घुस के मारने वाले में से। हम लोग भी जवान नहीं है, सीमा पे नहीं है, फौजी नहीं है, लेकिन हम लोग भी शहीद होने के लिए तैयार हैं। कि हमारे बीच में शहीद होने वाले के लिए कितनी इज्जत और सम्मान है हमारे भारतीय जनता पार्टी के। एक दीप शहीदों के नाम श्रद्धांजलि कार्यक्रम जो है वो रखा गया है, और इस वक्त बीजेपी के जो युवा कार्यकर्ता हैं वो एक एक दीप जो है वो शहीदों के नाम जो है वो जला रहे हैं, तिरंगा भी हाथों में लिए हुए हैं, एक दीप पुलवामा शहीदों के नाम। ये दुखद घटना को हुए 5 साल हो गए, और देखिए जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो भारत माँ की जय और वंदे मातरम का नारा जो है वो लगा रहे हैं, और देखिए किस तरीके से याद कर रही हैं आज शहीदों को, दिया जला के हम लोग याद कर रहे हैं शहीदों को। चलिए, दिया जलाकर जो भी बीजेपी के यूथ कार्यकर्ता हैं वो जो है पुलवामा में शहीद वीर जवानों को याद करते हुए श्रद्धांजलि देते हुए जो है, और देखिए पूरे इस गोलंबर को जो है वो दीपों से जो है वो सजा दिया गया। कुछ कार्यकर्ताओं से भी हम जो है वो बात करेंगे, कैसे याद कर रहे हैं पुलवामा के शहीद। देखिए, जिन्होंने आज के दिन हमारे देश के प्रति सच्ची शहीद हुए हैं उनके प्रति कीड़ा भारतीय जनता पार्टी कीड़ा प्रकोष्ठ बिहार प्रदेश प्रत्येक 4 साल से ये कार्यक्रम का आयोजन करते आ रहा है, और वैलेंटाइन डे का विरोध करता है। कितने घर उजड़ गए थे उनको, उनके लिए हमारा हर भारतीय का फर्ज बनता है कि हम उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि, कीड़ा प्रकोष्ठ 501 दीप प्रज्वलित कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। 501 दीपक आप लोगों ने जलाए। जी जी जी, बड़ा दुखद घटना रहा ये, देश कहीं ना कहीं देखिए पाकिस्तान के कायरतापूर्ण जो हरकत है बाज नहीं आते हैं, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री उनको मकुल जवाब देते आई है, उनको ये पता नहीं है कि अब हमारे देश के प्रधानमंत्री घर में घुस के मारने वाले में से और चुपचाप चले आने वाले में से है, और पाकिस्तान की देखिएगा लगातार उसके हमले में कमी आती रही है, और हम लोग कीड़ा प्रकोष्ठ विगत 2019 से उनको श्रद्धांजलि देने का कार्य करते आए हैं। देखिए कार्यक्रम तो देखिए राजनीतिक तौर पर बहुत होते रहते हैं, लेकिन जब मैं इस कार्यक्रम में आया तो बड़ा देखा कि आप लोग बड़े शांत भाव में हैं, मतलब एकाग्रचित होकर आप लोगों लग रहा था कि सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं जवानों को। जी सर, सच्ची श्रद्धांजलि देने का मतलब है कि जिन लोगों ने हमारे लिए कुर्बानी दी, ठीक है, उनके लिए तो शांतिपूर्वक ही उनकी श्रद्धांजलि देनी है। आप कुछ कहेंगे, काफ़ी भाव हुआ जी, पिछले 5 साल से ये मेरा ही सुझाव था हमारे क्रीड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष को, मैं ही सुझाव दिया था कि हमारे वीर सपूत पुलवामा में शहीद हुए हैं, हर साल जब तक हम लोग के शरीर में प्राण है जब तक हम लोग हर साल इसको एक शहीदों के नाम दिया जला कर करके आयोजन करते रहे। शरीर में प्राण है इसी तरीके से हर साल आज के दिन दिया जलाएंगे। हम मौजूद हैं सतमूर्ति स्मारक पार्क थी गोलंबर पर, यहीं पर देखिए 7 जो शहीद हुए थे उनकी स्मारक है, और कुछ और महिलाएं हैं जो हाथों में झंडा लिए हुई हैं याद कर रही हैं वीर जवानों को। क्या चल रहा है मन में, कैसे याद? मन में चल रहा है कि मतलब बहुत दुख हो रहा था कि हमारे जवान इस तरह से शहीद हुए हमारे देश के लिए, हमारा देश के देश प्रेम इतना बड़ा है ना कि हम लोग देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। देश प्रेम ऐसा है कि हम देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग भी जवान नहीं है, सीमा पे नहीं है, फौजी नहीं है, लेकिन हम लोग भी शहीद होने के लिए तैयार हैं, और हमेशा हम लोग लड़ेंगे और अपने शहीदों को याद करेंगे, उनके याद में ही हम लोगों के लिए सबसे बड़ा त्यौहार है। अच्छा, हम लोगों के लिए सबसे बड़ा त्यौहार है। एक और यूथ हैं जो दोनों हाथों में झंडा लिए हुए हैं, और कहीं ना कहीं इस आज के दिन इस दुखद घटना जो घटी है उसे जो है याद कर रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या चल रहा है मन में, हाथों में तिरंगा? मन में तो यही चल रहा है कि शहीदों को हम अगर एक दिन भी दे साल में याद करने के लिए तो बहुत होता है। विगत 4-5 वर्षों से हम लोग ये कार्यक्रम कीड़ा प्रकोष्ठ के बैनर तले कर रहे हैं, करके थोड़ा सा अच्छा लगता है, कम से कम एक दिन उनके लिए सुकून लगता है। सुकून लगता है। आप कुछ कहेंगे?
भारतीय जनता पार्टी के क्रीड़ा प्रकोष्ठ की ओर से ये जो आयोजन किया जाता है हर एक वर्ष किया जाता है, और इससे यही होता है कि हमारे बीच में शहीद होने वाले के लिए कितनी इज्जत और सम्मान है हमारे भारतीय जनता पार्टी के बीच में, और हम लोग ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं शहीदों के लिए, और दीप जलाना ही चाहिए, और शहीद को याद करने का ये एक सुनहरा तरीका या मौका जो समझिए, हम लोग को भी जैसे न हर एक आदमी किसी न किसी प्रकार से शहीद के लिए कुछ ना कुछ तो करता है, और ये शाम हम लोग के लिए यादगार शाम हो गया। चलिए, थोड़ी देर पहले नंदकिशोर यादव भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने भी शहीदों को श्रद्धांजलि जो है वो दी है, हमने उनसे बातचीत भी की थी, बातचीत का वो अंश अब सुनवाते हैं। इस दिन को याद करें क्योंकि बड़ा कहर बन के देश के लिए जिन लोगों ने शहादत दी है, हर भारतीय का कर्तव्य है कि उनको स्मरण करे, उनको नमन करे। आज पुलवामा की वर्षगांठ के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के क्रीड़ा मंच के कार्यकर्ताओं ने एक कार्यक्रम रखा है एक दीप शहीदों के नाम, और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि जिन लोगों ने भारत की ओर टेढ़ी आँख करके देखने का काम किया है उनको माकूल जवाब देने का काम प्रारंभ हो गया है। जब से नरेंद्र भाई मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने तब से हम पाकिस्तान के हर हरकत का माकूल जवाब दे रहे हैं। किशोर यादव ने भी कहा कि जब से देखिए नरेंद्र मोदी की सत्ता आई है तो कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों का मनोबल जो है वो बढ़ा है। अभी भी देखिए किस तरीके से मैं इस छोर हूँ और ये गोलंबर है, सतमूर्ति गोलंबर के नाम से पूरे बिहार भर में फेमस है, और इस गोलंबर का जो निर्माण कार्य जो है जो कहेंगे उद्घाटन जो है लालू प्रसाद यादव जो मुख्यमंत्री थे तब किया गया था, और आज ये गोलंबर जो है वो दीपों से सजा हुआ है। कुल 501 दीप जो हैं वो बीजेपी की तरफ से जो है वो यहाँ पर जलाए गए, और अभी भी आप देख सकते हैं भारत माता की जय के नारे जो हैं वो लगते हुए आप जो हैं वो देख रहे होंगे। वंदे मातरम जो है वो आपको पीछे जो है वो सुनाई दे रहा होगा। तो कुल मिला कहें कि आज बीजेपी ने एक दीप पुलवामा शहीदों नाम का श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा, और जिस कार्यक्रम में इस तरीके से शहीदों को नमन और याद किया जा रहा है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 14 एक्शन।